उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह ने कहा कस्बे के बाईपास निर्माण को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी और इसके निर्माण के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके बनने से आमजन को जाम जैसी समस्या से राहत मिलेगी। वे कस्बे के कासगंज कॉलोनी में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनका उप प्रधान गोविंद चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। बीसू का उपाध्यक्ष है समाज में कुरीतियों को दूर करने और आपस में भाईचारा रखने के लिए युवाओं को जागरूक होने और वृद्धजनों को युवाओं का मार्गदर्शक बनने का संदेश देते हुए प्रतिमा का अनावरण किया। वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ेगी? गांव में तो जिंदगी फिरती के मेरे भाई, परंतु अगर शहर में देखो तो किसानों को मुआवजा नहीं देने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। किसानों को मुआवजा नहीं देने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नदवई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत उपाध्याय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर फूंका गया। जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रशांत उपाध्याय के नेतृत्व में एक ज्ञापन तहसीलदार नतवई को सौंपा गया, जिसमें किसानों के लिए मुआवजे व बिजली के बिल माफ हो और कर्ज माफ करने की मांग रखी गई। किसानों के कर्जे माफ करो। जो सर्दी से हमारे किसानों की आलू की फसल बर्बाद हुई है, क्षेत्र में किसान बड़ा परेशान है। आज किसानों के सामने बड़ी चिंता का विषय है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार किसानों के कर्जे माफ करे, उनको मुआवजा दे और बिजली के बिल माफ किए जाएं। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में, क्योंकि आज तक कोई भी गिरदावरी नहीं की गई थी, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। आज ये सरकार किसान विरोधी है, ये सूट बूट की सरकार है, ये बड़े धन्ना सेठों की सरकार है। ये बड़े बड़े लोगों माल्या विजय माल्या जैसे लोगों का कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं सकती। इसका किसान से कोई लेना देना नहीं है।